स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के ऊपर लिटरेचर रिव्यू क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वान्टिटेटिव रिसर्च हो ये दोनों टाइप ऑफ रिसर्च में एक इंटेग्रल पार्ट है लिटरेचर रिव्यू को अगर हम डिफाइन uh, करें तो इट इज़ द रिसर्च प्रोसेस इन विच द रिसर्चर रिव्यूज अवेलेबल रिसर्च स्टडीज एंड एम्पेरिकल डेटा ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक एंड लिटरेचर रिव्यू इज़ अ कम्प्रीहेंसिव समरी ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च आपका जो रिसर्च टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के फैक्टर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं तो लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के फैक्टर्स को स्टडी करते वक्त आप जो बुक्स पढ़ेंगे जो लिटरेचर आप इन शेप ऑफ़ कॉन्फ्रेंस पेपर पढ़ेंगे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे या आप जो पॉलिट्सी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स देखेंगे उसके ऊपर एम्पेरिकल स्टडीज़ जो पब्लिश हो चुकी हुई हैं वो जब आप रिव्यू करेंगे और उससे रेलिवेंट जब आप थ्योरीज को रिव्यू करेंगे उन सब को रिव्यू करने के बाद जो आप कंप्रिहेंसिव समरी लिखेंगे अपनी जो है रिसर्च रिपोर्ट में उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं लिटरेचर रिव्यू के सर्टन गोल्स होते हैं जो फर्स्ट गोल है इसका इज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट अ फेमिलरिटी विद द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टेबलिश क्रेडिबिलिटी एक रिसर्चर ने कितनी अच्छी रिसर्च कंडक्ट की है उसका बहुत ज़्यादा इन्सार होता है कि उसका लिटरेचर रिव्यू कितना अच्छा है तो कोई भी जो रीडर है जब वो लिटरेचर रिव्यू पढ़ता है तो उसकी रिसर्चर के ऊपर क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है अगर आप अगर अच्छा लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो सकती है the second goal of the literature review is to show the path of prior research and how current project is linked to it aap apni research project ko previous research ke sath link out karte hain with the help of literature review अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो research questions होंगे आपकी जो methodology होगी और हाइपोथेसिस होंगे वो abrupt होंगे वो vague होंगे तो इसलिए ज़रूरी होता है लिटरेचर रिव्यू में आप एक लिंक डेवलप करें अपनी रिसर्च का जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी हुई है उसके साथ एंड द थर्ड गोल ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज टू इंटीग्रेट एंड समराइज वट इज नॉन इन एन एरिया रिसर्चर कोशिश करता है कि जिस टॉपिक पर वो काम कर रहा है उसमें जो कुछ हो चुका हुआ है उसको अपनी रिसर्च में इंटीग्रेट करें और समराइज करें कि इसमें क्या क्या कुछ आ, काम हो चुका हुआ है और क्या आ, काम पॉसिबली हो सकता है

उतने ही उसके आ, रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छी होगी और उसके उतने ही रिजल्ट्स बेहतर होंगे